किला है, जमींदार हैं जी, 33 फुट चौड़ी जमीन चली गई, रहा है कुछ को नहीं। और मतलब विधायक है इसमें पर्सनल इन्वॉल्व है मैडम, विधायक जबरदस्ती करके हमें मैम इसकी खुदाई होगी 100% होगी गांव में जी, मीडा कर रहे जी गांव में पक्ष कर रहे हैं, ठाड की तो जान पहचान ज्यादा होगी, गरीब ने तो कोई भी नहीं पूछता, मानती हो गया बात है, तो उनकी जान पहचान में डगल संपर्क सीधे हो रहे हमारे वर्गे वोट गिरे अपन घर आएंगे। जैसे डीसी तो डीसी के पास जाते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ रुक गया काम। तीन भी सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई जींद के मनोहरपुर गांव में, और आप देखोगे कि खेता में गांव इकट्ठा होया था, और साथ में पुलिस प्रशासन भी आड़े पहुंच रहा है, जो प्रशासन के बड़े अधिकारी है तो वो भी आड़े पहुंच रहे। बाकी मामला के है पूरा का पूरा कि क्यों आड़े जो गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं, प्रशासन क्यों पहुंच रहा है, तो इन्हें तो पूछेंगे मामला के है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? कृष्ण कुमार जेठा, मनोहरपुर से। तो ये जो आज प्रशासन भी पहुंच रहा है, गांव वाले भी इकट्ठे हो रहे, तो क्या मामला है? ये एक ड्रेन का मामला है बहन जी। अच्छा। ये 40-50 साल का मामला पुराना, ये रिक्वायरमेंट हुई थी, वो हाईकोर्ट में हाईकोर्ट ने बंद कर दी, भाई किसानों ने वापस जमीन, इसको ड्रेन की जरूरत नहीं है। अच्छा। फिर मैं वहाँ गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या हरियाणा की ड्रेन जान फल डाया कर दी नहीं, उसी मामले में हमारा भी मामला उसी लाइन में लग गया है, जड़ा जरूरत थी ड्रेन की, वो हमारा जरूरत नहीं थी, उनकी जरूरत थी, वह भैया तो इसकी ड्रेन की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने आउट कर दिया, किसान हार गए। लेकिन तो आपका पक्ष नहीं सुना गया? नहीं सुना गया, पक्ष तो हमको बताया भी नहीं गया, ना बुलाया ना बताया, किस दिन आना, ना नोटिस आया, ना कोई नोटिस आया, पूरा तो मतलब जितनी भी फाइल थी सारा खांड और गुड़ सारे एक बटन एक ले लिया, एक ले लिया, ना मैं किसानों को किसी को मुआवजा ले रखे मिल रहे, मुआवजा नहीं मिल रहा किसी को भी। मतलब आप के चाहो कि मतलब मुआवजा नहीं मिल रहा इसलिए नहीं कर दे रहे, या फिर आड़े के चाहते नहीं? इसकी जरूरत नहीं है बहन जी। अच्छा। इसकी इन किसानों की जितने इस एरिया में जरूरत नहीं है, और इस एरिया में क्या है, हमारा बढ़िया पानी है पूरे एरिया में, वाटर ले लूँ तो 130-140 हज़ार है, लेकिन पूरे गाँव के यहाँ टोल लगकर दूसरे एरिया में पाइपलाइन द्वारा सिंचाई इसी एरिया से कर रहे हैं, पाइपलाइन दबा के। हाँ, अगर ये हमारा ये हो गया नहीं, पानी खराब है तो हमारे उस दूसरा एरिया मारू हो जाएगा। हाँ, बढ़िया पानी इस एरिया में, दूसरे एरिया में पानी खराब है। राम राम। तो हाँ, राम राम भाई। अच्छा, पानी की भी आड़ वो कोनी शेद जी। अच्छा, पानी कदे तो 95 में फलटाई, जब भी कोई मतलब गवर्नमेंट के पास कोई नहीं गया कि भाई हमारा नुकसान हो गया, कोई भी गवर्नमेंट ने नुकसान बाबत कया हो, कोई और कया हो, इस एरिए में पानी है बहुत ज़्यादा, तो पाइपलाइन पाटेंगी जो बड़ी सड़क के पास है। हाँ, पानी पीने की भी जा रही है, दूसरे खेतों में पानी जा रहा है। पानी चढ़ने की, बाढ़ आने की, या फिर पानी चढ़ जाए, बारिश में कोई समस्या ना? कोई समस्या नहीं, 120 फुट पर 30 फुट पर चौवा जा रहा है। हाँ, अच्छा, ट्यूब लाम उतार दे, हाँ, सब 2000 के सूंट के ले रहे, पानी ज्यादा हो गया नहीं, ट्यूब में उतारा जा, सब लगा दे आप अपने ट्यूब में। मतलब ये आप पूरे गांव की डिमांड है कि हमारे गांव में यार नहीं निकल रहे, निकलने नहीं चाहिए जी, थोड़े बहुत जी नून भी। अच्छा। हाँ, 2-3 घर। देखो जी मैडम, ये 30-40 साल की उम्र होगी हमारी भी, हमने कभी आड़े ड्रेन देखी को नहीं थी, लेकिन कागचम ड्रेन होया करती थी, उस ड्रेन को भी कागचम खत्म करवाने के लिए किसान हाईकोर्ट में गया था, हाईकोर्ट में किसान जीत गए थे उस केस को, तो ये कागचम तो भी आज भी पटवारी का जो वो है ना नक्शा, उसमें ड्रेन नहीं थी ये, तो फिर मतलब वही आप वाली बात है, खांड गुड़ शक्कर एक कर दिए, महकमा चला गया, सरकार चलेगी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने सार सौदा कट्ठा तोल दिया। जैसे जुलाना का एरिया है, वहाँ पानी चोए ऊपर हैं, वहाँ अगर एक बार बारिश हो जाती है ना तो पानी ऊपर खड़ा रहा है, तो उनको ड्रेनिंग सिस्टम की ज़रूरत है, हमने इस एरिया में ड्रेनिंग सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक कलम से फैसला सुना दिया, अभी हमारा जो पक्ष है उसको बुलाया भी नहीं गया, तो जैसे ये फैसला आया गांव में मतलब 2-4 आदमी ऐसे होया करें उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, मतलब गांव को नुकसान पहुँचाना हो किसी बात में होया करें, लेकिन जो मौके का विधायक है वो उसके उनके साथ अच्छे ताल्लुक हैं, मतलब विधायक इसमें पर्सनल इन्वॉल्व है मैडम, विधायक जबरदस्ती करके हमें सारा गांव सरपंच की लेटर पैड पे डीसी साहब से और मंत्री महिपाल डांडा जी उनके पास से एक्शन साहब से सबकी सरपंच की लेटर पैड पे सबको लिख कर दे के आए हैं, और सब ने आश्वासन दिया था जब तक फसल खड़ी जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, और उसके बाद किसान जैसे चाहेगा ना पाइपलाइन दबा दें, उन जो 2-4 भाई उनको समस्या है उनकी भी खत्म हो जाए, उसके लिए सारे किसान एग्री थे, आज शाम को आश्वासन दे दिया, सुबह आते हैं हमें पता चलता कि खेत में
जेसीबी आ गई, प्रशासन आ गया, इनके ऊपर दबाव है। मैडम जो मौके विधायक है हमारे कृष्ण मिड्डा जी, उनका विधायक है, उनके हम उनके पास हम गए भी हैं, पूरा गांव गया है, लेकिन वो तो कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो इसको रुकवा भी सकते हैं 3-4 महीने के लिए जब तक फसल खड़ी है। और एक दूसरी बात मैडम, हमारा गाँव फ्लड में नहीं आता। मैंने कल DRO रेवेन्यू से RTA से जवाब मांगा है कि जी हमारा गाँव फ्लड में आता कि नहीं आता, और आज तक मतलब हमने कोई फ्लड से संबंधित कोई मुआवजा मिला कि नहीं मिला। अगर हमारा गांव फ्लड में आता तो कदम मुआवजा क्यों नहीं मिला, और अगर फ्लड में नहीं आता तो ड्रेन की क्या जरूरत है। तो ये पक्ष हमने रखा, लेकिन हमें इसके लिए टाइम तो मिलना चाहिए मैडम। हमें आज आश्वासन दे दिया कि आपका काम रुक गया, अगली कार्रवाई हम जब भी कर रहे हैं तो उसका टाइम मिलना चाहिए ना। तो रात कोई फोन आ जाओ जी के कल प्रशासन आओगा और जमीन खाली करवाएगा। तो ये मामला मैडम जीरी लग रही है, पूरे इसमें धान लग रहा है, तो मतलब खड़ी फसल पर। हाँ मैडम, ये तो हमने अभी लेके गए हैं पोपलैंड लेके आ रहे थे, तो क्यों अभी खुदाई शुरू करेंगे, ये तो गांव वाड़े है, तो उसके बाद वो पोपलैंड यहाँ से चली गई। कौन कौन से अधिकारी पहुंच गए? यहाँ SDO साहब आ रहे हैं और JI साहब आ रहे हैं, हाँ इरीगेशन और पुलिस प्रशासन आ रहा है जी। फिलहाल काम रोक दिया गया है? हाँ फिलहाल तो रुक रहा है मैडम, लेकिन ये तो सुबह बात हो ली थी, अभी तो सारा महकमा यहीं खड़ा है। इन्होंने ऊपर भी जवाब दिया है, यहाँ पे मतलब विपक्ष के नेता किसान कमेटी के टोल खटखट टोल से वो भी आ चुके हैं, सब ने मतलब एक्शन साहब से बात करने की कोशिश करी, वो मौके फ़ोन ही नहीं उठाते। ये SDO साहब JI साहब खड़े हैं, इनके कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहे अभी तक भी, क्या कार्रवाई करनी क्या। हाँ वो ऊपर से दबाव है मैडम उनके। फिलहाल मतलब आप चाह रहे हो कि ड्रेन ना निकले? हाँ ड्रेन का फायदा नहीं मैडम है, हाँ जमीन खराब ही नहीं हो अगर ड्रेन है। दो चीज़ों मैडम, एक तो ड्रेन हुआ है पानी मतलब खेत को देने के लिए, एक पानी निकालने के लिए। तो ये ड्रेन जो खुद रही है मैडम, ये है पानी को निकालने के लिए। अगर इस एरिया का पानी निकल गया ना मैडम बारिश से, इसको जरूरत है बारिश के पानी की, क्योंकि यहाँ पर 150 फुट पर चोए जा चुके हैं। अगर यहाँ पानी नहीं रहा बारिश का, तो ये तो हमारी पूरी मतलब जमीन बंजर हो जाओगी। कितने फुट की ड्रेन निकाली जा रही है? ये 33 फुट चौड़ी है मैडम। तो इसमें तो जमीन जाएगी? हाँ दो दो किला है जमींदार हैं जी, 33 फुट चौड़ी जमीन चली गई है, कुछ को नहीं जरूरत नहीं है। तिरछी है जी, मान लो उस कोने पर इस कोने पर तो ड्रेन निकल गई नहीं, मान लो इस साइड जीरी लगाओगा तो इस साइड पानी कैसे लेके जाओगा। मतलब ये पहले जी शुरू में जब ड्रेन या कागचाम हुआ कर दी ना, उस टाइम ये दूसरी जगह थी। और ना मैडम इस तक आज तक स्थान आदमी की जो जमीन है, नहीं तो आज तक इसको जमीन का कोई मुआवजा ले रखा, मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं जी एक तरह से देखी जाओ तो। राम राम ताई। राम राम बेटे। अड़े ताई ताई मनोहरपुर ताई। हाँ मनोहरपुर ताई हूँ बेटे। तो आज आप भी पहुँच रहे हो? पहुँच रहे हैं बेटे, मजबूरी हो रही है। अच्छा। हाँ तंग कर रखे हैं, सान तो नहीं सो में 3 महीने नहीं आंदे फसल उठा लो। हाँ। फिर करेंगे समाधान, खुदाई होगी जो भी होगा। सुबह सुबह नहीं होगा प्रशासन आवा है, मर आंख जी वहाँ मार के कोडे खोज लियो बेटी, नहीं वैसे खुदर नहीं देंगे, फसल नहीं पाड़न देंगे। पानी अच्छा है? पानी बहुत बढ़िया, गाँव में भी पीने का पानी आड़त जाता है, आड़ तक पहुँचो सारा गांव का पानी पीने का, गांव में पीने का पानी नहीं। इससे इस एरिया में पाइपलाइन दब दब खेत भी सिंचाई हुआ है, आड़े तो जाओ बेटी, और मजबूरी हो रही है बेटी। मिड्डे के उनका गला ज़्यादा जान पहचान है, गरीब आदमियाँ की वाई बात है, ठड की बिला जिसकी लाठी उसकी माए से, वहीं भी उस गल्ले मिड्डे गल्ले थोड़े ज़्यादा संपर्क हैं बेटी, गरीबा के मारे घाटे हैं, इसलिए मिड्डा हंगा ला रहा है, नहीं मारे कोई मार नहीं है पानी की आड़े। 45 साल हो गया इन गाँव में, आज लग फसल नहीं मरी देखी है बेटी, 2 दिन पानी डट गया, 4 दिन पानी डट गया, अपने आप उतर गया, ट्यूबलाम तार लिया, फसल नहीं किसी की भी मर गया, बाढ़ नहीं आंदी बेटे, नहीं कोई गुआंड का पानी आंदा, नहीं कोई गुआंड का खेत आंदा, सिर्फ गांव गांव के खेत हैं थोड़े हैं, छोटा मामला बेटी, खेत खराब करवाने तो मतलब पार्टीबाजी हो रही बेटी, गाँव में ही बेटे, गाँव गाँव की ये बात है बेटी। राम राम जी। राम राम जी। जी हमारे खेतों में ड्रेन कटवाई जा रही है, जिससे इसमें ड्रेन जिसके जैसे बीच बीच में सुवा, किसी का एक किला है किसी का आधा किला है, उसमें बेचारे जिसका आधा किला हर एक किला उसमें तो बीच में से जाएगी, तो उनका तो नुकसान ही, बेचारे क्या करेंगे, फसल तो आधी जैसे फिर बीच में एक साइड होगी फसल दूसरी साइड, उसमें तो नुकसान ही है। जो दूसरी पार्टी है जो उनके साइड इसमें जैसे नहीं करवाएंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। 95 में जैसे फ्लड हुई थी तो उस टाइम इनका कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो अब क्या होगा, अब तो इतनी जैसे इतनी फ्लड वगैरह आ भी नहीं रही है, तो इसे रुकवाने के लिए सोच तो आप कह रहे हो कि मतलब दो पार्टी हो गई है, तो एक पार्टी में कम लोग हैं ज्यादा? नहीं उसमें कम है जी। अच्छा, तो गांव एक तरफ? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी वहाँ कुछ लोग हैं जी, खुद रुकवानी है तो ज्यादा है बेटे, और जो खुदवानी है वह कम है, वह फिर सपारसी ले जा है, तू चाल मैं चालू फलान दखड़ तू भी चाल दखड़े तू भी चाल, वह सब न ठा ले हैं, वो सब न उठाना मुन आदमी गणे दिखा दे हैं, बाकी खेत खुदवानी थोड़े हैं और रखवानी ज्यादा हैं,
हाँ ये बात है बेटी, और खुद नहीं देंगे बेटी। मारी मिड्डा साहब से यही रिक्वेस्ट है कि मारा भाईचारा बने रहने दे, मारा खराब नहीं हो जा, और नहीं खुदेगी तो खराब होगा। ये रिक्वेस्ट है, जैसे जी हमने भी वोट दी है और जैसे जो उनके ज्यादा नजदीकी उनकी सुनने लग रहे हैं, तो वोट तो हमने भी दी होगी, तो हमारे सभी के मिलने के बाद ही तो हाँ जी हाँ जी सभी के हैं, तो उन्होंने तो नहीं मनाया होगा, हमने भी तो मनाया होगा, तो हमारी भी ऐसी सुननी चाहिए ना उन्होंने। राम राम सर। राम जी। तो सर आप यहाँ पे मौके पे पहुंचे हो? हाँ जी। तो जो गांव वाले हैं वो कह रहे कि हमने जरूरत नहीं है उस चीज की, कि यही गांव वाले हैं जी? नहीं सर, सुबह और भी गांव ज्यादा तो थे। तो आपने भी देखे होंगे हम मौके पे आए होंगे, हम तो चलो थोड़ा लेट आए हैं। मैम इसका गांव वाला और उससे कोई संबंध नहीं है। अच्छा, कभी गांव वालों की रिक्वेस्ट पे ही यहाँ पे ड्रेन निकालने, साल पहले सर ये बात 87 की हो सकती है मैम। अच्छा, एग्जैक्ट मेरे को डेट याद नहीं है। गांव वाले की ही डिमांड के ऊपर हरियाणा सरकार ने ज़मीन एक्वायर की है, एक्वायर की जो इनको कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन आया, जैसे अभी कह रहे हैं हमें मुआवजा नहीं मिला कुछ लोग, तो उसके बेस पे मैम ये CJM कोर्ट जींद कोर्ट केस गया, CJM कोर्ट से फिर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया मैम, सुप्रीम कोर्ट में आदेश आ गया कि ये ज़मीन इरीगेशन की रहेगी, इनके नाम मोटेशन करो मैम। ये 6-7 महीने पहले इरीगेशन के नाम मोटेशन हो गई है। अभी फ्लड सीजन के 10-12 किले जमीन के हैं पीछे, जहाँ पे फ्लड का पानी रुकता है मैम। तो सर सिर्फ 10-12 किलो के लिए, मतलब पूरे गांव के? मैम इसमें पूरा गांव का, हम अपनी जमीन को कर रहे हैं मैम, जो 33 फुट एक्वायर की हुई है गवर्नमेंट ने, उसमें जो हमारी ड्रेन का साइज है 10 फुट टॉप, 5 फुट 6 फुट बॉटम, जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन है उसके हिसाब से हम खुदाई करें, इनको तो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। सर देखो गांव वालों ने काम रुकवा दिया है, फिलहाल पुलिस प्रशासन भी है, आप भी हो, तो अब आगे क्या रहेगा? अभी मैम इसकी खुदाई होगी 100% होगी, हमारे पास मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट डिटेल के हूँ मैम, DC जींद की तरफ से हमें कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। इन्होंने आज खाप पंचायत MLA साहब से या किसी जो भी मतलब मौजूद आदमी उनके लिए टाइम मांगा है, अभी हम टाइम करके बातचीत करके सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा टाइम दिया हुआ है, नहीं तो सुबह तो खुदाई हो। जैसे आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, लेकिन ये कह भी रहे कि इस प्रकार से हमारा पक्ष भी नहीं सुना गया सुप्रीम कोर्ट। मैम देखो कोर्टों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के मामले में आपका क्या दखल अंदाजी दे सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये भारत के संविधान में है कि पक्ष ना सुना जाए? इस चीज़ को मैम कहना, तो देखो कोई कुछ भी कह सकता है, आप भी पढ़े लिखे हो, इन्होंने अपना भी वकील किया होगा, उन्होंने भी अपनी दलीलें दी होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, कोर्ट को तो अच्छा कोई भी मामला हो मैम, दलीलें सुने बगैर तो जज साहब कोई डिसीजन देते नहीं है। सर अभी तो फिलहाल तो मतलब खुदाई बंद करवा दी गई? नहीं मैम खुदाई चालू है। तो ये बंद करवा दिया गया? कोई बात तो ये हमारे 2-3 जगह से चालू है मैम, 3 गांव पड़ते हैं, मनोरपुर गांव नहीं है इसमें, 3 गांव के अंदर से ड्रेन होके जाती है। सर जो ये ड्रेन निकाली जा रही है तो ये स्पेशल मनोरपुर के निकाली जा रही है कि या और गाँव के लिए? मनोरपुर के लिए मैम, मनोरपुर के कुछ एक पीछे जमीन है मैम जो लो लाइंग एरिया है उसको निकालने के लिए। वो कितने बंदों की जमीन है सर वहाँ पे? बंदे तो मैम क्या कह सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, किले 10-12 हैं, 5-6 भी हो सकते हैं जी, उसमें क्या, संविधान में अधिकार तो है जी उनका भी है, हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है जी एक किला भी नहीं डूबने देना जी। मतलब इस मैटर का और कोई समाधान नहीं है कि मतलब पूरा गांव एक तरफ कह रहा है और 10-12 बंदे के लिए? इनको बहुत टाइम दे चुके हैं हम लोग, 1 महीने से कार्रवाई कर रहे हैं, डिमार्केशन ऑफ लैंड सारी कार्रवाई, इनको सब कुछ मालूम है मैम, 5-6 दिन से हम लोग खुदाई भी कर रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब भी कर रहे हैं हम लोग, फिर लगते हैं फिर खुदाई करते हैं, तो मैम इनको पूरा टाइम दिया आप लोग जाइए, आज भी इनके आदमी जो ये कुछ ही खड़े हैं यहाँ पे, बाकी गए हुए हैं बातें करने के लिए, परंतु इनका सोल्यूशन जो कानून है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं वो भी DC साहब ने भी अच्छी तरह से स्टडी किए हैं, DC साहब के पास भी गए हैं, MLA साहब के पास भी गए, सिटिंग MLA साहब के पास भी गए हैं, ex-MLA के पास भी गए हैं, ex-सरपंच भी जा रहे हैं, परंतु कोई भी मतलब इनके पक्ष में चीज़ नहीं जा रही है। जब जरूरत नहीं बेटी तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नहर भी दे रखी है पाकिस्तान में, उसमें ये तो जी तो जरूरत नहीं हाड़े खुदन की किले जी यहाँ पर बस 9 या 10 हैं जिनके ऊपर ये ड्रेन खुदवाई जा रही है, जैसे कह रहे हैं ना 19-20 वो चीज नहीं है, किले तो यहाँ बहुत हो गए हैं, लेकिन जो 5-6 है ना उनके बस इतने किले, 5 या 10 इतने और ज्यादा नहीं है, और जो यहाँ से निकालने की कह रहे हैं वो पूरे में ही है, पूरे किले की जाती जाएगी। देखो आप कह रहे हो कि वो तो सिर्फ 5-6 किले हैं ठीक है, बाकी पूरा गाँव एक तरफ हो गया है, तो मतलब ये काम किसी के दबाव में किया जा रहा है? मीडिया का दबाव में? नहीं जी, मीडिया कर रहे हैं जी, गांव में पक्ष कर रहे हैं, गरीब ने तो कोई भी नहीं पूछता,
मान दी होगी बात है, तो उनकी जान पहचान में डगल संपर्क सीधे हो रहे हमारे वर्गे वोट गिरे अपन घर आएंगे। जैसे डीसी तो डीसी के पास जाते हैं तो बोल देते हैं कि हाँ रुक गया काम, तीन महीने और फिर जैसे इनके पास जाते हैं तो फिर बोल दे आगे से जैसे उनकी आ जाती है जैसे ये कृष्ण मिड्डा की इनके ऊपर दबाव आ जाता है फिर दोबारा फिर शुरू कर दे हफ्ते के अंदर ही अंदर हो जाता है सब कुछ काम, एक बार रुक जाती है। हमारे ऊपर कोई प्रोसेस नहीं, हमारे पास जो आपको तो अच्छी तरह से मालूम है अगर हम लोग आदेश की पालना नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट की क्या होता है, तीन भी नहीं कि वो मांगन लाग रहे तीन भी नहीं देन। तो भाई मामला सारा का सारा आपके श्यामी है, अगर बात करें प्रशासन है प्रशासन अपनी ड्यूटी का पालन कर लाग रहा है, एक तरफ गाँव वाले है की गाँव वाले चाह रहे है की कुछ पाँच छह आदमी की जो जमीन है उड़ा पाँच छह आदमी की जमीन के ऊपर पूरे गाँव की जमीन खराब ना करी जाए, ये नहीं चाहते की इनके गाँव में ड्रेन निकले, तो पूरा का पूरा मामला आपके सामने भी आ गया है। तो दो अधिकारियों का कहना है कि भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हम के कर सके हैं, तो दोनों तरफ से मामला पेचीला हो रहा है फंस रहा है, नून तो वे खुदाई नहीं होने दे रहे, वे चाह रहे हैं कि खुदाई हो है। तो आपका के कहना है जरूर बताइए, अगर गांव चाह रहा है कि पूरा का पूरा गांव ये चाह रहा है कुछ बंदे छोड़ कर कि जमीन खराब नहीं होनी चाहिए, इनका पीने का पानी भी है और अच्छी जमीन है, तो भाई नहीं होना चाहिए। वैसे आप के कहोगे जरूर बताइयो, अगर गाँव वाले अपनी जगह ठीक है तो इसने शेयर कर दो वीडियो ने ताकि इनकी समस्या का सलूशन हो सके। फिर मिलेंगे साथियों, जय हिंद।